स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले एचएल के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे एचएल ने एक एमओयू साइन किया है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ। और इस एमओयू के अंतर्गत एचएल कन्वर्ट करने जा रही है जो भी आपके सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं उनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में यानी कि एमएमटीटी में ये कन्वर्ट होंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि हम सभी अवेयर हैं कि आईएएफ तकरीबन 10 से ज्यादा सालों से इस तरह के टैंकर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो थी, और जिसको लेकर जो मल्टीपल टेंडर है वो भी इशू किए गए हैं, कैंसिल किए गए हैं। फाइनली ये जो स्टेप है वो आईएएफ को बूस्ट देने जा रहा है, और यहाँ पे जो कॉस्ट होगा वो भी आपको कम लगेगा क्योंकि आप एक ऑलरेडी पैसेंजर एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करोगे टैंकर में। इस तरह का जो कन्वर्जन है वो ऑलरेडी आईएआई ने किया हुआ है, तो जो असिस्टेंस है वो मिल जाएगी। और एक्सपर्टीज गेन करने के बाद ये जो आपका टैंकर का मार्केट है उसको आप टैप कर पाओगे इस पर्टिकुलर रीजन में। अगर यहाँ पे हम फ्री टैंकर की बात करते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, ऑलरेडी जो टेंशन है एलओसी पे वो बड़ी हुई है, एलओसी पे आपको जरूरत पड़ती है। तो जो भी आपके एयरक्राफ्ट है उनको लंबी सॉर्टी करनी पड़ेगी, और वहाँ पे मिड एयर सपोर्ट के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट का होना आपके लिए एडवांटेजियस रहेगा। अगर अभी फिलहाल हम बात करते हैं आईएएफ कहाँ स्टैंड करती है, तो एक लिमिटेड नंबर में हम IL-78 MKI ऑपरेट कर रहे हैं आगरा बेस से। और इस पर्टिकुलर नंबर को ऊपर ले जाने के लिए कई सारे जो टेंडर है वो आईएएफ के द्वारा इशू किए गए थे। पहले ये प्लान था कि जो एयरबस का M330 है उस पे बेस्ड एक MRTT बनाया जाए, लेकिन आप वो भी अचीव नहीं कर पाए। वहाँ पे जो प्राइमरी फैक्टर रहा वो कॉस्ट आपका था। फिर इस तरह के टेंडर को इशू करने के जो प्लान है वो कई बार सामने आते रहे। बाद में चल के ये भी प्लान था कि जो बोइंग का 767 है उस पे बेस्ड एक टैंकर बनाया जाए, तो उसको भी आप अचीव नहीं कर पाए। जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट थी 6 एडिशनल टैंकर की, और इस रिक्वायरमेंट की जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। तो एचएएल और आईएआई का एक साथ आना भारत में पैसेंजर एयरक्राफ्ट को टैंकर में कन्वर्ट करने के लिए वो कहीं ना कहीं आईएएफ की इस रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, आपको खर्च काफी जगह करना है। यहीं पे आईएएफ प्लान कर रही है MRFA के बारे में, ऑलरेडी वो प्रिक्योर करने वाले हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल को, तो लिमिटेड रिसोर्स को देखते हुए इस तरह का जो कन्वर्जन है सिविल एयरक्राफ्ट का टैंकर एयरक्राफ्ट में होना वो इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने जा रहा है। कुछ ऐसा ही जो अरेंजमेंट है वो DRDO ऑलरेडी कर रही है अवैध सिस्टम को लेके, जहाँ पे DRDO का जो नेत्र मार्क 2 है वो एयर इंडिया के 319 पे माउंट होने जा रहा है, तो वो चीज ऑलरेडी प्रोसेस में है। और उसका जो पहला एयरक्राफ्ट है वो आपको 2023 में कहीं ना कहीं दिखेगा। हालांकि अभी इस तरह के कन्वर्जन को लेके जो कि आईएआई काफी समय से कर रही थी, और यहाँ पे आईएआई ने इस तरह के कन्वर्जन का जो एक्सपोर्ट है वो भी शुरू किया हुआ था ब्राजील के लिए, तो यहाँ पे बोइंग का जो एक रोक है वो आया था आईएआई पे, क्योंकि आईएआई कम कॉस्ट पे इस तरह के जो टैंकर है वो कन्वर्ट करके दे रही थी। तो आईएआई को इस कन्वर्जन के लिए बोइंग के द्वारा रोका गया था, जहाँ पे आईएआई का ये प्लान था कि वो ब्राजील और कोलंबिया को इस तरह के जो टैंकर है वो सप्लाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए जो एचएएल के साथ मिलकर इस तरह का कन्वर्जन है उसके लिए OEM की परमिशन ली गई होगी। अब वो OEM एयरबस हो या फिर बोइंग हो, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेज है वो काफी कुछ होते हैं अगर आप कन्वर्ट करते हो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को एक टैंकर में या फिर कार्गो एयरक्राफ्ट में, तो जो स्ट्रक्चर में चेंज है और प्रॉब्ली OEM का कुछ जो सपोर्ट है वो आपको पड़ती है। इस पर्टिकुलर डोमेन में काम की बात करते हो तो बोइंग के 767 पे काम किया हुआ है आईएआई ने, मतलब उनको कन्वर्ट किया हुआ है। जो प्राइमरी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो एयर फ्रेम में पड़ेगी, जो आपका कॉकपिट है उसमें मॉडिफिकेशन होगा, प्रॉब्ली जो इंजन का रिप्लेसमेंट है वो होगा, और अंडर विंग जो होज और ड्रोग है रिफ्यूलिंग पॉड को लेके वो आपको देने पड़ते हैं। अगर आपको बूम चाहिए तो आपको बूम देना पड़ेगा, उसके लिए जो अरेंजमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपके लिए होज और ड्रोग का अरेंजमेंट है आईएएफ के लिए वही प्रॉब्ली किया जाएगा। ये कुछ जो प्राइमरी मॉडिफिकेशन है वो आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं। आपको ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे एक टैंकर बनाने जा रहे हो। न्यू सर्विस एरिया दिया जाएगा, जो सेल्फ प्रोटेक्शन सुइट है वो आ जाएंगे पूरी बॉडी पे, एयर फ्रेम पे कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाएंगे, स्मोक डिटेक्शन आ जाएगा क्योंकि ये एक टैंकर एयरक्राफ्ट होगा, कई तरह के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम यहाँ पे आएंगे उनका एडिशन होगा, जो आपका ऑक्सिलरी पावर यूनिट है उसको पावरफुल किया जाएगा, और रिफ्यूलिंग पॉड के लिए जो अरेंजमेंट है वो आपको विंग पे दिख रहा है। जो रेरो स्टेशन है डुअल रेरो स्टेशन उसका एडिशन यहाँ पे होगा, लैंडिंग गियर ओवरहॉल होंगे, और यहाँ पे पॉसिबली ये क्षमता दी जाएगी कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो। तो इस तरह के कुछ जो मॉडिफिकेशन है वो ऑलरेडी आईएआई कर चुकी है बोइंग 767 पे, और लगभग मोटे मोटे तौर पे यही कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो आपको भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे एचएएल के साथ आईएआई जब ये चीज करेगी। तो होपफुली इस प्रोजेक्ट पे जो काम है वो जल्दी शुरू किया जाए, और आईएएफ की जो रिक्वायरमेंट है 6 MRTT की वो इस कन्वर्जन से पूरी की जाए। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट का फाइनल होना जरूरी है कि कौन से एयरक्राफ्ट को चुनने वाले हैं। पॉसिबली ऐसा एयरफ्रेम रहेगा जहाँ पे जो स्पेस हो वो आपको पर्याप्त मिले मॉडिफिकेशन के लिए भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।